और सबसे इम्पॉर्टेंट इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ख़राब चीज़ लगता है टाइम, वो टाइम, वो इम्पॉर्टेंट टाइम जो ऑफिशियल टाइम है, उस टाइम में आप जॉब कर रहे हो या फिर कॉलेज कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, 9 to 3, 9 to 3:30 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम का इस्तेमाल अगर ट्रेडिंग में करोगे तो आपका जो मेन स्किल है, मेन प्रोफेशन है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि जो मेन प्रोफेशन है वही आपका प्राइमरी अर्निंग का सोर्स है, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो फिर आप फंस जाओगे। तो अक्सर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इंट्राडे में कि टाइम, बिकॉज जो टाइम दे रहे हो उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। कंक्लूजन ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, आप दिमाग में बैठा लो। नाउ अब हम आते हैं स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे आपका जो मेन टाइम है वो नहीं लग रहा है, जो ऑफिशियल टाइम है नहीं लग रहा है। अगर प्राइस देखना भी है तो ऑफिस में भी है, मैं मोबाइल निकाला, प्राइस देख लिया कि क्या ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, दैट्स इट, ख़त्म। ज़्यादा आप ट्रैक नहीं करते हो, ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है टेक्निकल ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है। घर आए, डे का चार्ट लगाए, या फिर वीक का, वीक में अगर बहुत ज़्यादा लंबा खेलना चाहते हो तो वीक का लगाए, टेक्निकल एनालिसिस किए और कल जाकर बाय कर लिए, डैट्स इट। पूरा दिन एंजॉय कर रहे हैं, शाम को आया 10-15 मिनट टाइम लग, जो भी अपना एनालिसिस करने के लिए टाइम दिए और स्टार्ट हो गए। तो ये तो द बेस्ट मुझे लगता है स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम का बचत हो रहा है सबसे बड़ा चीज़। दूसरा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हैं और जो मुनाफा मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जब ब्रेकआउट की ओर अगर कोई स्टॉक अगर होता है, और मेनली जो स्विंग और ये करते हैं वो मोमेंट, जो मोमेंटम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, और जो मार्केट का अप ट्रेंड होता है उसमें करते हैं, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेने में क्या दिक्कत है, नहीं गया नहीं गया, थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, अब उतना तो लॉस तो, उतना तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब वो लोग कोई रिस्क नहीं लोगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, आपको रिस्क भी नहीं लेना है, पैसा भी ज़्यादा कमाना है तो कैसे होगा। तो वहाँ पे जो है चंद दिनों में, 1 से 2 वीक में, 1 to 2 वीक में आपको ज़बरदस्त मुनाफा मिलता है, मे बी 30-40% का रिटर्न मिल जाए। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग ज़बरदस्त मुनाफा कमाते हैं। कुछ उनके फेवर में नहीं भी जाते हैं तो जो नुकसान होता है बहुत छोटा पोर्शन होता है, बट जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो दैट्स द गुड थिंग अबाउट द स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग। तो मुझे लगता है कि स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पैसा होता है आपके पास ही होता है, दैट्स द गुड थिंग। जो पैसा है आप ही के पास है ना, मान लीजिए कि ऊपर के लेवल में टेक्निकल आपको इंडिकेट किया कि सेल कर दो, ठीक है, आपका टेक्निकल एनालिसिस करता है कि सेल कर दो, आपने सेल कर दिया, ठीक है, ऊपर के लेवल पे सेल कर दिया, अब वो पैसा आपके पास है तो पैसा आप सुरक्षित है, आप बोल सकते हो लॉस हुआ छोटा सा, मुनाफा हुआ बड़ा सा, और पैसा आपके पास है। अब वो जो पैसा आपके पास है उसका बहुत कीमत है, उसमें रिस्क नहीं है, फिर से घुसना होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस बड़ा मुनाफा लेंगे, तो ये मुझे लगता है कि बेस्ट माना जाएगा। ओके, टेक्निकल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के टेक्नोलॉजी के युग में अगर टेक्निकल इंडिकेटर को आप यूज नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। टेक्निकल इंडिकेटर यूज करना है, आपके लिए आविष्कार किया गया है, आपके लिए बनाया गया है, इसको यूज कीजिए, प्रॉपर यूज कीजिए टेक्निकल इंडिकेटर। ओके, तो आप समझ गए कि मोमेंटम ट्रेडिंग यहाँ पे बेस्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मुनाफा कम मिलता है, लॉस नहीं बोलेंगे, मुनाफा कम मिलता है, लॉन्ग टर्म में लॉस क्या होगा, लॉस तो नहीं होता है बट रिटर्न कम मिलता है, ठीक है, रिटर्न कम मिलता है। इंट्राडे में आपका इंपॉर्टेंट जो टाइम, वैल्यूएबल टाइम लग रहा है, और जो ओवरऑल जो मैं बताया उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग जरूर करें, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बट अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास उतना भी टाइम नहीं है, आप ट्रैक नहीं कर रहे हो स्टॉक मार्केट के एक्टिविटीज़ को, प्राइस वगैरह नहीं मैनेज कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उस समय आप जो है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में जा सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में आप सो जाइए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, कोई मेहनत नहीं करना है और फ्री में पैसा मिल रहा है, दैट्स द गुड थिंग, और ये सबसे बेस्ट थिंग माना जाएगा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को। आप अपने स्किल का फोकस, स्किल पे फोकस कीजिए, जैसे आपको, आप डेटा साइंटिस्ट हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या डॉक्टर हैं, या फिर कुछ भी प्रोफेशन में हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर पूरा फोकस कीजिए, अपना मेन स्ट्रीम में फोकस कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए और ज़्यादा पैसा कमाइए, पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, म्यूचुअल फंड वाले को दे दीजिए, उन लोग अच्छे से फंड मैनेज करेंगे,
लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कीजिए आराम से, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट तो ये होगा ETF है और म्यूचुअल फंड को दे दीजिए, लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर ही जाता है। ये जो सारे यूट्यूबर हैं ना जो बोलते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को, आपको थोड़ा बेवकूफ़ बना देते हैं। आप मार्केट को भी ट्रैक कर रहे हो, आपके पास पेशेंस की भी कमी है, अब ज़रूर होता ही है भाई, इंसान है, आप माइंड में क्लिक करेगा, सेकंड में क्लिक करेगा, सेल करके निकल जाओगे, ठीक है, कितना हो कोई समझा देगा, क्योंकि आपका खून पसीने का कमाई वहाँ पे लगा हुआ है। तो इन लोग तो बोलेंगे कि चलो ऊपर ही जाएगा, लास्ट में बोलेंगे कि देखो मैंने 3 साल पहले बोला था, देखो आज कहाँ पे चला गया। तो आप एक स्टॉक तो लेते नहीं हो, डाइवर्सिफाइड करके लेते हो, कुछ उसमें नहीं भागेगा, कुछ भागेगा, और मैं वो दिखा देंगे कि देखो मैंने बोला था, हालांकि लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाना है, सब कुछ सब कोई जानता है, रिटर्न कम मिलेगा, दैट्स द बैड थिंग, बट क्योंकि आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो इधर, तो ये ले लेकर अच्छा ही माना जाएगा। बट अगर मार्केट की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे हो, तो फिर स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग द बेस्ट माना जाएगा। नाउ ये सारे बातें हो गए, अब मैं स्मार्ट डिसीजन की ओर आता हूँ, जिसमें ट्रेडिशनल के अच्छे चीज़ों को मैं ले लूँगा, और अभी जो टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है आज के जो युग में जो चल रहा है, उसके अच्छे चीज़ों को मैं लेकर मिक्स कर दूँगा, और इन दोनों के कम्बिनेशन को यूज करके अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको यूजफुल होगा। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म का ही इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब आपको 10 स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि वो लार्ज कैप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप का ज़्यादा नहीं भागेगा। हाँ, अगर लार्ज कैप का स्टॉक है, पोटेंशियल है, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी भागता है 200-300% वो भी रिटर्न देता है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए आपको, थोड़ा रिस्क यहाँ पे तो ज़रूर है, ऑफ कोर्स रिस्क रहेगा, स्टॉक मार्केट में तो हर जगह ही रिस्क है, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क ज़रूर मिलेगा, बट ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो थोड़ा ज़्यादा जो है रिस्क तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इम्पॉर्टेंट जो स्टॉक है जो फंडामेंटली सुपर स्ट्रांग है और फ्यूचर ओरिएंटेड है, उसे ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कीजिए, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही कीजिए, बट टेक्निकल भी का भी सपोर्ट लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस करके आप ये पता लगाइए कि क्या अभी सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है। अगर किसी स्टॉक में सेल का सिग्नल जनरेट हो गया, लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजी में मोस्ट ऑफ द मार्केट में जो भी न्यूज़ थे वो फैक्टरिंग हो चुके थे, उसके बाद स्प्लिट भी हो चुका था, एक ज़बरदस्त 20% का गिरावट देखने को मिला, उस समय लोग परेशान हो गए। अब लॉन्ग टर्म वाले तो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए, वो जो डाउन जा रहा था, तो वहाँ पे आपको सेल, टेक्निकल वाले तो सेल करके निकल गए होंगे, और जब सेल किए उसी समय एट द सेम टाइम वो किसी दूसरे फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि वो जब आप सेल करेंगे तो एट द सेम टाइम आप उस पैसे को वैलेट में और बैंक में नहीं रखेंगे, आप उस पैसे को किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, और आपका मेन एम होना चाहिए कि वो भी स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग होगा और उसमें जो है बाय का सिग्नल जनरेट हो रहा होगा। तो यहाँ पे सेल किए, वहाँ पे बाय किए, एक ही दिन में होना चाहिए। सेल कर रहे हो तो आइडेंटिफाई करके रखो, नहीं तो फ़ायदा क्या, वैलेट में रख दिए, उससे अच्छा तो इन्वेस्टी छोड़ दो ना, इन्वेस्टी करके छोड़ दो। डाउन ट्रेंड आ रहा है तो क्या है, बाद में अप ट्रेंड आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, फिर बाउंस बैक तो करेगा ही, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यहाँ पे अगर स्ट्रेटजी अगर सही से अप्लाई नहीं किए तो प्रॉब्लम होगा, समझिए बात को। यहाँ पे आप जब सेल कर रहे हो तो एट द सेम टाइम दूसरा स्टॉक आपको बाय करना है, वो भी फंडामेंटल सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, और अपने पोर्टफोलियो में कम से कम स्टॉक रखें, इतना ही स्टॉक रखें जो आप डेली बेसिस पे ट्राई कर सकते हैं, उसके टेक्निकल और फंडामेंटल सब कुछ, उसके न्यूज वगैरह रखो। अगर आप आइडेंटिफाई सही से नहीं कर पाएंगे तो ये जो है एक डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सेल कर दिए, सेल करके वॉलेट में रख दिए, कुछ मिल नहीं रहा है उसका, उससे अच्छा इन्वेस्टर छोड़ दो, तो ऐसा ना करें, स्टॉक फाइंड आउट करके रखना पड़ेगा आपको। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि ये बेस्ट चीज़ है, ट्रेडिशनल के अच्छे चीज़ों को लो और अभी जो मार्केट में चल रहा है उसके अच्छे चीज़ों को लो, दोनों को कंबाइन कर दो। अब अगर मार्केट में अगर एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे हो तब ये करना है। अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो, तब आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए चले जाओ, बेस्ट ये होगा म्यूचुअल फंड और ETF ले लो, झमेला ही ख़त्म, उसमें वो डाइवर्सिफाई करके बनाते हैं, रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है, क्यों ये सब के झंझट झंझट में पड़ना। मैं अपने चैनल पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ, और अच्छे स्टॉक का फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ मैं बताता हूँ, इंट्रिंजिक वैल्यू, उसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, किस लेवल में बाई करना चाहिए, सब कुछ मैं बताता हूँ। तो चैनल को याद रखना, सब्सक्राइब कर दो,
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं टेक्निकल में एक चीज़ में बता देना चाहता हूँ, टेक्निकल टफ नहीं है। कुछ लोग टेक्निकल बोलते हैं ना कि अरे कोई बंदा कैसे बोल लेता है कि इस लेवल पे बाई करो, इस लेवल पे सेल कर दो, कैसे पता चलता है? भाई वो भगवान नहीं है, वो आप भी कर सकते हो। टेक्निकल इज़ वेरी वेरी ईजी, सुपर ईजी, हलवा है। टेक्निकल सुपर ईजी है, फंडामेंटल टफ हो सकता है, बट टेक्निकल सुपर इजी है और कोई भी बंदा कर सकता है। उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कोर्स नहीं चाहिए, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री में आप सीख सकते हैं। कई सारे वीडियो अवेलेबल हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई कुछ और बताता है, कुछ और बताता है, तो आप थोड़ा अपना माइंड भी अप्लाई कीजिए और थोड़ा पेपर ट्रेडिंग कीजिए कि चलो ऊपर गया, इंट्राडे का चार्ट खोल लीजिए, ठीक है, सीखना है तो इंट्राडे का चार्ट खोल लीजिए, तो सेल सिग्नल जनरेट हुआ तो वहाँ पे सेल कर दिए, झूठ मूठ का मतलब पेपर में नोट करके रखिए, सेल कर दिए, नीचे होगा बाई करिए, देखिए, टेस्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए, अरे ये तो काम कर रहा है, तो चलो अब हम रियल में करते हैं, मतलब इंट्राडे नहीं, आप स्विंग के लिए करेंगे, मतलब डे डे हो गया या फिर वन वीक का चार्ट लगा कर करेंगे। इस तरह से आप जो है बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और आपको मुनाफा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ समझिए बात को, सपोज एडिक्शन को आपने ऊपर के लेवल पे सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, बेच दिए, तो क्या आप दोबारा से एंट्री नहीं करेंगे? नहीं, आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, सोचिए लॉन्ग टर्म प्लस टेक्निकल। तो यहाँ पे सेल कर दिए थे तो आप GTT ऑर्डर लगा कर, अरे GTT बहुत बेहतरीन फीचर है, इसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं रहता तो बात अलग है, फिर तो हम दूसरा सोचते, अगर है तो क्या प्रॉब्लम है? तो अगर 4000 पे आप बेच दिए तो दोबारा से आप क्या करेंगे कि आप GTT लगा के रखेंगे कि 4000 के बाद 4100 पे अगर प्राइस आएगा, उसको तोड़ेगा तो फिर से हम ज्वाइन हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म हो गया, क्योंकि आप जिस लेवल पे सेल किए थे उसी लेवल पे कुछ समय बाद बाय कर लिए, और ये जो पीरियड जो कंसोलिडेशन और गिरावट का था उसका जो है इस्तेमाल आप उस फंड का इस्तेमाल जो है किसी और में कर लिए, जिस कोई अदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक था उसमें ट्रेडिंग करके आप कर लिए, फिर उसमें डाउन ट्रेंड आएगा तो उसमें सेल करके इसमें बाई कर लिए। तो इस तरह से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, थोड़ा समझाने के चक्कर में मैं रिपीट कर दिया वर्ड को, उसके लिए सॉरी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं, बाय अनबायस होकर मैं आपको बताऊँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं केवल लॉन्ग टर्म का आपको बताऊँगा और फिर केवल शॉर्ट टर्म या फिर ट्रेडिंग के लिए बताऊँगा, नहीं, अच्छे अच्छे चीज़ों को बताऊँगा और उसमें से जो बुरे चीज़ें हैं, जो कॉन्स हैं, उस पार्ट को मिनिमाइज करने का प्रयास करूँगा। थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लीजिए, मैं उसमें मदद करने का प्रयास करूँगा जो भी मुझसे बन पड़ेगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल, हैव अ नाइस डे।